Let's do question number 8th of exercise 5C, that is arithmetic progression. Question number 8th is how many terms of the AP? AP ki kitni terms hain? 21, 18 and 15 karke dash 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 must be added to get the die sum 0. Isme kitni terms aisi aayengi ki ek time pe iska AP jo ki jo term hogi wo 0 hogi wo batana hai. तो कैसे करेंगे देखिए हम अब पहले अपनी एपी लिख लेते हैं एपी दे रखी थी 21 18 15 एंड डैश 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 हमें जीरो लानी है इसमें टर्म जो है वो जीरो लानी है कौन सी टर्म होगी वो जहाँ पे जीरो आएगा ये बताना है तो हमारा ए क्या हुआ दैट इज 21 और डी क्या हुआ हमारा दैट इज 18 माइनस 21 इसको क्या कह सकते हैं माइनस 3 हो गया अब हमारा ये कह रहा है लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8th ऑफ एक्सरसाइज 5C दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 8th इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इस एपी की कितनी टर्म्स ऐड की जाएं जिससे कि सम जीरो आ जाए तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले अपनी एपी लिख लेते हैं एपी है 21 18 15 एंड सो ऑन तो हम सम करेंगे कि सम जीरो आ जाए राइट तो एस एन क्या होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी राइट अब ए क्या हुआ यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 21 और डी क्या हुआ 18 में से हम 21 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आया देखिए 15 में से भी 18 माइनस करेंगे तो भी माइनस 3 आएगा तो इसका मतलब हमारा डी माइनस 3 है अब हमें बता रहा है वो एस एन ज़ीरो आना चाहिए सम ज़ीरो आना चाहिए तो ज़ीरो लिख दिया एन हमें पता नहीं है तो एन को एन ही रखा टू ए हमें पता है 21 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा माइनस 3 अब ये टू इधर जाके ज़ीरो में मल्टीप्लाई हो गया तो ज़ीरो टू इज ज़ीरो इंटू टू कर दिया ज़ीरो ही आएगा लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया 21 टू इज 42 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 देखिए ये प्लस इंटू ये वाला माइनस इज माइनस अब आगे करते हैं ज़ीरो इक्वल्स टू एन इंटू 42 माइनस 3n प्लस 3 तो ये कितना आ गया ये आ गया हमारा 0 इक्वल्स टू n इंटू 42 में प्लस 3 हो गया 45 माइनस 3n हो गया राइट ये n इधर आ गया नीचे 0 के या तो ऐसे कर लीजिए या तो 0 ही आ जाएगा या 45 ब्रैकेट खोला तो 45n माइनस 3n स्क्वायर आ गया अब क्या लिखेंगे अब हमने 3n स्क्वायर इधर ले आए तो ये आया 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 45n अब n की वैल्यू क्या आएगी देखिए यहाँ पे भी n था इसलिए एक n नीचे ले आई हूँ यहाँ से तो ये आ गया 45n अपॉन 3n तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 5s are 15 तो n कितना आ गया हमारा 15 required number of terms कितनी थी required number of terms कितनी हुई n कितना था हमारा 15 is the answer let's do question number 9th of exercise 5c that is arithmetic progression question number 9th is How many terms of the AP? कितनी terms AP की must be taken so that their sum is 636? इसकी कितनी terms ली जाए और उनको add किया जाए जिनका sum 636 आए तो देखिए कैसे करेंगे पहले हम अपनी AP लिख लेते हैं AP दे रखी है 9, 17 and 25 and so on. इनका सम एस एन दे रखा है हमें कितना 636 आना चाहिए तो हमारा एस एन हमें बताना है कि कितनी टर्म्स ऐड करें तो टर्म्स दे नहीं रखी हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन है राइट तो एस एन कितना हो गया हमारा दैट इज एन बाय टू इंटू टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी. अब ए क्या है, डी क्या है, एस एन हमें पता है 636 है, एन हमारा एन ही है क्योंकि वो निकालना है, और ए क्या है हमारा, देखिए ए है हमारा 9 और डी है हमारा 17 में से 9 गया, तो दैट मीन्स कितना बचा, 8, राइट. तो अब देखिए 25 में से 17 जाएगा तो भी 8 ही बच रहा है चेकिंग के लिए. तो अब 2 इंटू ए था हमारा 9 प्लस एन हमें पता नहीं है और डी था हमारा 8. ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे. अब ये देखिए, ये 2 की मल्टीप्लिकेशन इधर 636 में, तो 636 इंटू 2 इक्वल्स टू एन इंटू 2 9 जा 18 प्लस 8 एन माइनस 8. अब ये कितना आ गया, 636 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 एंड 7, 2 6 जा 12 इक्वल्स टू एन इंटू 18 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये आ गया 10 प्लस 8 एन. अब हमने मल्टीप्लिकेशन की एन की, तो ये आ गया, ब्रैकेट्स ओपन किए, इसका मतलब 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर. अब 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन, ये लेफ्ट हैंड साइड से इधर आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का हो गया, साइन चेंज कर दिया, इक्वल्स टू जीरो. अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, तो हमने 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2 4 जा 8 एन स्क्वायर, 2 5 जा 10 एन माइनस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 इक्वल्स टू जीरो. अब एज इट इज पीछे लिख रही हूँ, तो ये आया 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 इक्वल्स टू जीरो. अब फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 636 इंटू 4, दैट इज 4 6 जा 24 टू कैरी, 4 3 जा 12 13 14 कैरी 1 25 एन स्क्वायर, लेकिन माइनस का, इसके दो फैक्टर्स करने, तो ये कितना आया 2 5 4 4 के फैक्टर्स निकाले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 से गया 3 5 जा 15 एंड 3 नाउ 53 1 जा. तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 53, 53 में से 48 गया इज 5, राइट. तो ये आ गया 53n एंड 48n. अब बड़ा वाला वही होगा जो यहाँ का साइन है, तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू जीरो. अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, n कॉमन है सिर्फ, तो n कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, 4n प्लस 53. अब इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है माइनस कॉमन है, और हमारा देखिए अगर 48 देखें तो इन सबको मिला के 48 बन रहा है, राइट. तो इसका मतलब 12 कॉमन आया, 12 कॉमन है. आप चाहें तो इसको कैसे देख सकते हैं कि क्या कॉमन है, आप LCM लेके देख सकते हैं. तो हमारा ये आया 64, देखिए मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, 636 एंड 48 का LCM लिया कि क्या कॉमन है, तो हमने 2 लिया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 24. नाउ अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 5 जा एंड 3 4 जा. देखिए आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट मीन्स ये कितना कॉमन है, 12, तो मैंने इसलिए 12 लिख दिया यहाँ पे. तो ये आ गया 4n माइनस, कॉमन निकल गया था बाहर तो अंदर के साइन चेंज हो गए तो प्लस हो गया 53. 53 इक्वल्स टू जीरो. 53 क्यों लिखा, देखिए 636 को अभी हमने जब LCM निकाला था
उसमें आपका 53 बज गया था, तो इसलिए यहाँ पे 53 लिख दिया। तो अब क्या निकला, 4n plus 53 हमारा कॉमन आया और n minus 12 कॉमन आया equals to 0। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4n plus 53 हमारा कॉमन आया 0 के इक्वल, हमने रखा 0 के इक्वल, तो 4n आया हमारा minus 53 और n आया minus 53 upon 4। nth टर्म कभी भी नेगेटिव और अपॉन में नहीं होती है, राइट। तो अब n माइनस 12 को 0 के इक्वल रखा तो n आ गया हमारा 12। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी आ गई, दैट इज 12 इज द आंसर।